आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सपा नेता और पूर्व विधायक आजम खान एक बार फिर खुली हवा में सांस लेंगे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके समर्थकों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई, जब आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। आज अपना फैसला सुनाते हुए एससी ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। वो एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी। आजम खान के खिलाफ साल 2020 में गलत तरीके से स्कूल के लिए एनओसी लिए जाने का मामला दर्ज हुआ था। ये उनके खिलाफ दर्ज किया गया 79 केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दी है। दरअसल गलत तरीके से स्कूल के लिए एनओसी लिए जाने के मामले में आजम खान के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी, इसीलिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। इस मामले में 3 लोगों पर चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है, उन्हें आरोपी बनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से सपा के कद्दावर नेता आजम खान के करीब 2 साल के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी देखने को मिल रही है। और इस मौके पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।